हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक स्मार्ट बाइकर्स फ्रेंड्स। फाइनली सुजुकी वीस्ट्रोम SX250 अवेलेबल हो गई है डीलरशिप में और आज इसका डिटेल रिव्यू होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पर बाइक कुछ इस तरह दिखती है जैसे कि आप देख रहे हैं। यहां पर इसके तीन कलर आते हैं, ब्लैक, ऑरेंज एंड येलो। ब्लैक अभी अवेलेबल है, बुकिंग स्टार्ट हो गई है वीस्ट्रोम SX250 की। स्टार्ट कर लेंगे फ्रंट से। फ्रंट में आपको 19 इंच का एलॉय व्हील मिल जाता है विद 100/90 के टायर के साथ। ऑफ रोड टायर है यहाँ पर दोस्तों। फ्रंट में आपको ABS मिल जाता है विद ट्रैवल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। LED लाइट मिल जाती है। टर्निंग सिग्नल में आपको बल्ब देखने को मिलता है। विंडशील्ड मिल जाती है काफी बड़ी। उस साथ आपको कंकल गार्ड मिल जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। काफी अच्छी यहाँ पर डिजाइन है न्यू सुजुकी वीस्ट्रोम SX का। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर इंजन की। यहाँ पर आपको 250cc ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक 4-वॉल SOHC यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है जो आपको पावर प्रोड्यूस करेगा 26.5 PS एट 9300 RPM पे। वहीं मैक्स टॉर्क आपको मिल जाएगा 22.2 Nm एट 7300 RPM पे। यहां पर आपको नंबर ऑफ गियर 6 मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छी एडवेंचर बाइक है बजट के अंदर। अब हम बात कर लेंगे यहां पर ओवरऑल बाइक की। तो यहां पर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है जहां पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, मोबाइल नोटिफिकेशन मिल जाती है, आईफोन सपोर्ट मिल जाता है, उसी के साथ आपको टर्निंग सिग्नल मिल जाएगा, इंडिकेटर आइकन मिल जाएगा, करंट माइलेज मिल जाएगी। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी रखी गई है यहां पर सुजुकी वीस्ट्रोम SX में। वहीं आपको रेयर में भी LED लाइट मिल जाती है। उसके साथ आपको रेयर में यहां पर 17 इंच का एलॉय व्हील मिल जाता है, 140/70 का 17 इंच का विद ABS, ड्यूअल चैनल ABS है दोस्तों यहाँ पर। उसी के साथ आपको ड्यूअल एग्जॉस्ट हुड मिल जाता है। रेयर में आपको मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिल जाता है जो आपकी राइड को काफी कंफर्टेबल कर देता है। वहीं हम बात कर लेंगे यहाँ पर गियर्स की। तो यहाँ पर आपको 1 डाउन 5 अप मिलता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर सुजुकी वीस्ट्रोम SX का। ऑयल कूलिंग मिल जाती है, जो सुजुकी की ऑयल कूलिंग है वो काफी अच्छी है। बेसिकली आपको हीटिंग इश्यू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला। काफी अच्छी यहाँ पर एक एडवेंचर बाइक है फ्रॉम सुजुकी